أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. जो पिछले ही दूत और मैसेंजर और प्रेषित और नबी थे, इनका जो संदेश था वो एक समुदाय जाति के लिए होता और एक समय के लिए होता था। लेकिन प्रेषित मोहम्मद के बारे में कुरान ये कहता है कि ये प्रेषित जो है ये सारी मानव जाति के लिए है और इसका लाया हुआ संदेश ये सारी मानव जाति के लिए है। तो प्रेषित मोहम्मद को मुसलमानों के प्रेषित और रसूल और नबी नहीं है, ये सारे मानवता के लिए भेजे गए प्रेषित और नबी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये बात खुद कुरान कहता है। और कुरान ने इस बारे में, इस संदर्भ में यूं कहा, इसका अध्याय नंबर 21 सूरह अंबिया, उसका श्लोक 107 में कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हे प्रेषित हमने आपको सारी मानव जाति के लिए इजदूत बनाकर भेजा है, हे प्रेषित हमने तुमको सारी मानव जाति के लिए रहमत बनाकर, करुणा बनाकर, दया बनाकर भेजा है। तो प्रेषित मोहम्मद सारी मानव जाति के लिए दया थे। वह ऐसी दया थे कि उन्होंने आकर वो पैगाम जो ईश्वर अल्लाह कहता हम तक पहुंचा दिया मानव तक। अगर ऐसा ना करता प्रेषित तो हमें कैसे पता चलता कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है? तो वो दया थे, करुणा थे। इसी तरह दूसरे एक अध्याय में, अध्याय नंबर 7 सूरह आराफ, उसकी आयत श्लोक 158 में अल्लाह कहता है, कुल या युनास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, कि हे प्रेषित तुम मानवों से कह दो, अन्नास, अन्नास का अर्थ होता है लोगो, ओ मैनकाइंड, कुल या युनास, हे प्रेषित लोगों से कह दो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, मैं तुम सब की ओर ईश्वर का दूत बनाकर भेजा गया हूं। ये नहीं कहा मैं अरबों की ओर, मुसलमानों की ओर, फला समुदाय की ओर, फला जाति, नहीं, मैं तुम सब की ओर, सबके लिए जो है प्रेषित मोहम्मद थे। इसी तरह कुरान ने एक और अध्याय में यूं कहा और फरमाया, वमा अरसलनाका काफ्फतलिन्नासि बशीरन वनज़ीरा वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून, के हमने है प्रेषित तुमको काफ़तलिन्नास पूरी मानव जाति के लिए भेजा है, एक समुदाय जाति सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए भेजा है, बशीरम व नजीरा, तुम लोगों को शुभ सूचनाएं देती हो अच्छे कर्म करने वालों को, और डराते हो, भयभीत करते हो बुरे कर्म करने वालों को। और आगे कहा, वला कि अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन एक अजीब बात है, अक्सर मानव तुम्हारे बारे में जानते नहीं कि तुम सबके लिए हो। और कितनी सच बात कही कुरान ने। तो प्रेषित मोहम्मद ये सारे मानव जाति के लिए भेजे गए आइडियल नमूना थे, याद रखिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं।